नोएडा में सीमा की दुर्गा भक्ति, पेशावर में हड़कंप। पाकिस्तान में बेटियां बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूरे जाते हैं, पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारा भारत महान है। सीमा का नया आशियाना देख पाकिस्तानी कट्टर पंथियों के उड़े होश। 2 सितंबर को मैंने 4-5 टेम्पो कंटेनर भेजे थे एपी सिंह के लिए लांतों के, आज फिर शायद फेडरल में कोशिश करूंगा, वो भी आपके साथ एक्सक्लूसिव मनाजर शेयर करूं, तो फिर हम सीमा आंटी के लिए जो है लांतों के ट्रक भर भर के भेज रहे हैं। सीमा हैदर का गृह प्रवेश, पाकिस्तान में मौलानाओं के बीच कलेश। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के नवरात्र पर कंजक पूजन की इन तस्वीरों को देखकर नोएडा से 900 किलोमीटर दूर पेशावर में हड़कंप मचा हुआ है। सीमा हैदर की मां दुर्गा की साधना देखकर पाकिस्तान के कट्टर पंथियों के गैंग में आग लगी हुई है। सीमा हैदर की भक्ति देख पाकिस्तान के मौलाना भड़के हुए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय धमकी देने के। हम सीमा आंटी के लिए जो है लांतों के ट्रक भर भर के भेज रहे हैं। और ये बहुत गलत किया इन्होंने, क्यों गई ये? अच्छा, इसको नहीं जाना चाहिए बच्चे था, नहीं लेके जाने चाहिए। आप क्या समझते हैं, बच्चे लेके जाने चाहिए? बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए था, बच्चे इसको वापस करने चाहिए। जिस देश में हिंदुओं पर 24 घंटे 7 दिन अत्याचार होता हो, वहां की सीमा हैदर भारत में देवी दुर्गा की पूजा कर पाकिस्तान को मिटाने का संकल्प ले रही है। जय माता दी। 9 दिन में मैं व्रती रही, आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई, बहुत अच्छा लगा मुझे। पाकिस्तान में बेटियां बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूजे जाते हैं, पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारा भारत महान है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का ये पहला नवरात्र है। मां दुर्गा की पूजा करने वाली सीमा हैदर ने नवरात्र पर पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखा दी। सीमा ने बताया कि भारत में महिला शक्ति का प्रतीक है, देवी दुर्गा की साधना की जाती है, यहां महिलाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चियां सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में नवरात्र पर देवी दुर्गा की आराधना की जा रही है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अपने पर्व त्योहार पर घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, खासकर हिंदू बेटियों के लिए जिनके पीछे पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं का गैंग पड़ा है। यहाँ हर दूसरे महीने किसी न किसी हिंदू परिवार की बेटी अगवा की जाती है और उसका धर्मांतरण कर मुस्लिम से शादी करा दी जाती है। ये तस्वीर भी सिंध प्रांत की है जो पाकिस्तान की हकीकत को बयां कर रही है। पाकिस्तान में मौलानाओं और आतंक के खौफ के बीच रहने वाली सीमा ने जब सरहद पार की, उसकी जिंदगी बदल गई। उसके ऊपर जासूसी के आरोप लगे, पूछताछ हुई, लेकिन अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में जहां सचिन मीणा का घर है, वहीं अब सीमा का नया कमरा तैयार हो गया है। कमरे की दीवारों पर पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हैं। सीमा सचिन ने नया घर बना लिया है और इस खूबसूरत घर के अंदर की तस्वीरें बेहद ही शानदार हैं। और इस वक्त उनके घर के अंदर खुद सीमा मौजूद हैं, सचिन हैं और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह हैं। पूरे घर में कई सारी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, और उनके बगल में यहाँ पर एपी सिंह साहब की मूर्ति है, फोटो लगाई गई है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए अलग अलग जितने भी यहाँ पर गिफ्ट्स उन्हें मिले थे, उन्होंने इन गिफ्ट्स को सजाया हुआ है। नवरात्र के तीसरे दिन सीमा और सचिन ने कमरे का उद्घाटन भी किया। अपना नया बेडरूम देख सीमा काफी खुश दिखी। उन्होंने पूरे कमरे को राधा और कृष्ण की तस्वीरों से सजाया। मीडिया के सामने सीमा ने सचिन के साथ गाना भी गाया। सीमा के मुताबिक उसका नया कमरा सोशल मीडिया की कमाई से नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से तैयार हुआ है। पूरे कमरे में सीमा को मिले गिफ्ट रखे हुए हैं।
ये जो भैया ने हमारा यूट्यूब पे अकाउंट वगैरह दिया था उन लोगों की बदौलत है, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फैमिली की बदौलत है ये जो हमने घर वगैरह बनाया है। और शुक्रिया तो उनको भी करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एक आज सचिन नई बाइक लेके भी बिल्कुल एक स्टाइल मारते हुए जा रहे थे, खुशी थी एक बहुत ज्यादा। हाँ बहुत खुशी थी और बहुत खुश हैं आज हम। धन्यवाद सबका, जो धन्यवाद सबका कि सबने हमें मदद दी। सीमा के कानूनी मामले देख रहे वकील एसपी सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये बड़ी खुशी की बात है, इतने इतने सजाया लोग कल्पना नहीं करते थे कि ऐसी सनातन पद्धति, इसके रोम रोम में सीमा के मन में रोम रोम में खून के एक कतरे में सनातन पद्धति और सनातन धर्म भरा पड़ा है और वो आज दिख रहा है आपको और प्यार दिख रहा है। पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी चोट लगी है सीमा की इस तस्वीर को देखकर। माथे पर सिंदूर लगाकर भारत में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा करने वाली सीमा हैदर ने कहा है कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और ये देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। आम पाकिस्तानी भी कट्टरपंथियों की तरह सीमा को सजा देने की मांग करने लगे हैं।